हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो का स्वागत करता हूं दोस्तों। इस वीडियो में लोग जो आप लोग आईएससी और आईकॉम का दोनों का एग्जाम हुआ इंग्लिश का, उसका जिसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर किया है प्लस आपका सब्जेक्टिव का कुछ आंसर किया है, सारे को इस वीडियो को अंत देखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों इसमें, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों है। इसको देख करके आप बताइए आप कितना ऑब्जेक्टिव सही है और कितना आपका सब्जेक्टिव सही है। और हाँ, जितना कल गेस किया गया था सारा गेस में से क्वेश्चन आया हुआ है, जो गेस क्वेश्चन उसमें गेस का सारा टोटल लड़ा हुआ है जितना लॉन्ग गेस किए थे। तो हमारे पास एंच है, आपके पास कोई भी होगा मुझसे मतलब नहीं, आपको केवल क्वेश्चन मिलानी है और ऑप्शन मिलानी है। क्वेश्चन एक कह रखा है कि दी सैनोनिम्स ऑफ मेडुलस, मतलब इसमें मेडुलस का सैनोनिम्स कौन सा, म्यूजिकल, कौन सा म्यूजिकल। क्वेश्चन अगला है कि लेट दिस बी डन बाय मी, और इसको का वॉइस बनाना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, एक्टिव वॉइस लेट मी डू दिस। क्वेश्चन तीन क्या बोला कि एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम क्या होता है, एंशियंट, एनिशियंट। क्वेश्चन अगला बोला है दी टीचर से सम होमवर्क, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अबाउट इन ऑफ द एट, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, प्रीपोजिशन इसमें कौन सा, इसमें एट भरा, कौन सा एट द एंड ऑफ द लेसन होगा, इसमें क्या होगा, एट होगा। क्वेश्चन क्या करेक्ट है कि वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है, क्या सोल होगा, सॉल होगा, यूनियन होगा या यूएफ होगा, तो क्या होगा इसमें, तो सॉल होगा, सो यूएल। क्वेश्चन अगला कर रहा है कि हाउ, यहाँ पर क्या होगा, मच होगा, फ्यू होगा, सम होगा, लिटिल होगा, तो क्या होगा, मच होगा, क्या होगा, मच। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर इज चाइल्ड, यहाँ पर ऑप्शन चुनना है क्या होगा, यहाँ पर बीच में क्या भराएगा, करेक्ट ऑप्शन तो क्या हैज भरा, क्या जी हैज एन आइसक्रीम। क्वेश्चन अगला क्या हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 8 कि आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, इसमें इसका नेगेटिव वर्ड, इसका नेगेटिव वर्ड, इसका नेगेटिव वर्ड कौन हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा आपका नो वर्ड, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सारे को मिलाकर कमेंट करेंगे, देखो बिल्कुल आप लोग आंसर अपना से करेक्ट दे देता है, हो सकता है बाई चांस माइनर कोई गलती हो जाता है तो वो कमेंट कर देगा ना सर इसका ये होगा, ठीक है। तो उस लोग एक दो गलत कमेंट आ जाता है तो गलत कर थोड़ा एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए तब गलत कीजिए, क्योंकि जो आपको 100 को सही बताएगा केवल एक दो आप गलत ही, एक दो गलत क्यों बताएगा, हो सकता है माइंड आपसे मिस्टेक हो जाता है, प्रयास रहता है वो ना हो। करेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन कि ही, यहाँ पर क्या होगा, हार्ड होगा, यहाँ पर करेक्ट ही हार्ड वर्क होगा या फिर यहाँ पर क्या होता है, हार्डली वर्क होगा, क्या होगा यहाँ पर, हार्डली वर्क, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन का रखा है कि चूज द इनकोरेक्ट सेंटेंस, इनमें से इनकोरेक्ट सेंटेंस कौन सा है, कौन सा है, तब क्वेश्चन होगा ए हो जाएगा, आई डोंट केयर ऑफ दिस, ठीक है। देखो हम थोड़ा वीडियो लेट है लेकिन अपना सेक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन अगला क्या 11 नंबर कि दे हिम चेयरमैन, यहाँ पर भी क्या करेक्ट ऑप्शन चुनने पर भरना है तो क्या हो जाए, इलेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन 12 क्या करेगा, चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब बताइए कौन सा, तो बंडल, BUNDL, बंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि दी बुक विल बी अबाउट बाई सीता, दी बुक विल बी अबाउट बाई सीता, इसका कर रखा है एक्टिव वॉइस बने, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रखा है कि आई, यहाँ पर क्या होगा, आई, यहाँ पर पढ़ना एक जूली भर पढ़ना, देखो क्या भरेगा, आई कुड होगा या माइट होगा या कैन होगा, मे होगा, तो क्या होगा इसमें, कुड होगा, हो जाएगा, कुड हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या करें कि अमर सेज, यहाँ पर क्या होगा, अमर सेज ही, यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेक्स, यहाँ पर यह और ये प्रेजेंट प्रेजेंट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करें कि आई से दैट आई राइट ए लेटर, इसका निरेशन कर, नरेशन बनना है तो इसका नरेशन का नरेशन बी हो जाएगा, आई से आई राइट ए लेटर। क्वेश्चन क्या करें कि वुड यू माइंड, यहाँ पर सूटेबल सेंटेंस टेंस भरना है, क्या हो जाएगा, सूट होगा, सूटेड होगा, शूटिंग होगा या हैव सूट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शूटिंग होगा, होगा शूटिंग, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि द बस केम टू एन एब्रुप्ट हॉल्ट, यहाँ पर कह रखा है कि इसका भरना है करेक्ट मीनिंग, यहाँ पर करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका बदले करेक्ट मीनिंग भरना है, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत मीनिंग भरा हुआ है, यहाँ पर अब्रप्ट जो भरा हुआ है गलत मीनिंग, तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा इसमें से, तो आपका हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, स्टूडेंट। क्वेश्चन में करेगा द पुलिस मैन रन, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है, क्या होगा, ऑन होगा, एट होगा, बाई होगा, आफ्टर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा,
कह रहे दी पुलिस मैन रन, मतलब पुलिस आया कब, तो चोर के जाने के बाद का हो जाएगा आफ्टर हो जाएगा, इसके आंसर का रेडी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रखा अगला कि रेखा हैज हर्ट, यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या हर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, हिम सेल्फ होगा, देव सेल्फ। देखो ये होता है ये पुलिंग के लिए, यहाँ पर भी क्या होता है ये निर्जीव के लिए होता है, और ये एक तरह से पुलरल हो गया। तो यहाँ पर रेखा जो स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा हर सेल्फ, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कि ही वॉन्ट ऑन, यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो क्या हो जाएगा ही वेंट ऑन टॉकिंग हो जाएगा, इसका ही वॉन्ट ऑन टॉकिंग, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा करेक्ट ऑप्शन, क्या इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा आंसर ए, डॉज ही। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, तो क्या हो जाएगा डिनाइड होगा या रिफाइंड होगा या फिर रिफ्यूज होगा या रिफ्यूज होगा, बताइए। 23 का आंसर, तो 23 के आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सी। 24वां क्वेश्चन क्या कर रखा है कि द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, यहाँ पर क्या होगा आर होगा, हैव होगा, हैज होगा, इज होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैव सॉरी गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए मैन हुज लाइफ इज डेड, मतलब क्या रखा है कि एक औरत की जब पत्नी सॉरी एक पत्नी की जब एक औरत डेथ कर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको विधवा कहते हैं, विंडो में खिड़की होता है, विडोअर होगा विधवा। क्वेश्चन क्या अगला रखा है कि ऑल कमिंग एंड गोइंग, यहाँ पर क्या होगा, वाज होगा, हैज होगा, वेयर होगा या हैव होगा, तो क्या होगा वाज होगा, कौन सा वाज होगा। क्वेश्चन अगला हम लोग क्या है कह रहे हैं कि द जंगल डिक्लेयर्ड द पर्सन क्वालिटी क्यूल्टी ऑफ ऑल चार्ज, इसका एंटोनिसिस का विलोम शब्द क्या होगा, क्यूल्टी का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्यूल्टी इंसुरेंट और इनोसेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही सैड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका पूछ रखे क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका नरेशन चेंज करना इनडायरेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हम लोग क्या है करेगा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा स्पेल्ड वर्ड है, बस इसमें कौन सा करेक्ट है बताना है, तो कौन सा अपॉर्चुनिटी कौन सा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि वी लाइक, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चुनना है वी लाइक म्यूजिक, देखो म्यूजिक में नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि म्यूजिक एक तरह से होता है, म्यूजिक में कोई आर्टिकल नहीं होगा, ए ना एन ना दी होगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर डी हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्वेश्चन अगला क्या बोला है कि ही इज यहाँ पर पोजिशन चुनना है, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन रहेगा, एफ होगा, वाई होगा, एट होगा, सिंस होगा, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा इसका एट हो जाएगा, क्या हो जाएगा एट, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज लेजी ही विल फेल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग क्या बोलेंगे 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है देखो एक्सप्लेन नहीं किया जाए क्योंकि देखो आपका तो एग्जाम खत्म हो गया, केवल आपको आंसर मिलाना है। ठीक है तो नेक्स्ट एग्जाम तैयारी करें, हिंदी की तैयारी करें, हिंदी का भी जस्ट आप लोगों को क्लास स्टार्ट होगा रात को क्लास स्टार्ट होगा 9 बजे, कब बजे 9 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा आपको, जो भी गेसिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 34वां क्वेश्चन, नहीं देखो इसका आंसर क्या होगा 33 का सी होगा, क्या होगा सी होगा 33 का। 34वां क्वेश्चन क्या कर रखा है 34 नंबर कि यहाँ पर क्या होगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हैव होगा, मस्ट होगा, विल होगा, शुड होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा विल होगा, क्या होगा विल। क्वेश्चन क्या करे कि आई बैग एंड माई, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन टू होगा या टॉग होगा या टू होगा टोर होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा टू, इसका आंसर ए टी ओ। क्वेश्चन अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है करेक्ट है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू, क्या होगा गॉन होगा, हैव गॉन होगा, वेंट होगा, गो होगा, तो इसका आंसर क्या होगा गो हो जाएगा, क्या हो जाएगा गो। क्वेश्चन अगला क्या हम लोग है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी सही है, कौन सा बी सही है। 38वां क्वेश्चन क्या है कि माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर्स हैड टू राइट द नोट, यहाँ पर भी करेक्ट प्रिपोजिशन भरना है, तो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, इसके आंसर नोट फॉर मी, हाँ यहाँ पर डी होगा, कौन सा डी। क्वेश्चन 39वां क्या है कि फॉर मी ब्रेकफास्ट,
यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी हो जाएगा, दी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या है कि चूज दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा सही वर्ड है, कौन सा चॉकलेट, इसका आंसर ए हो जाएगा, चॉकलेट। 41वां क्वेश्चन क्या दिया गया कि चूज दी करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर। क्वेश्चन क्या है 42वां कि ए डे ऑफ रेस्ट इज, ए डे ऑफ रेस्ट इज क्या होगा, कौन सा हो जाएगा, मतलब किस दिन को रेस्ट होता है, तो हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रखा है कि शिमला इज मच, शिमला इज मच और क्या हो जाएगा देन चंडीगढ़, शिमला क्या है, शिमला इज मच क्या होगा, यहाँ पर फर्दर होगा या फादर होगा या फर्दर होगा या इधर होगा, तो क्या हो जाएगा फर्दर होता है, फर्दर का मीनिंग क्या होता है, एफ यू आर टी एस सी आर। कर अगला क्वेश्चन कि चूज दी ऑड वन आउट, कर रखा है कि इनमें से कौन एक तरह से अलग है, वो अलग चुनना है, इसमें कौन विषम एक तरह से है, इनमें से कौन से अलग है, कौन सा है, तो मस्टर्ड, कौन सा मस्टर्ड, क्योंकि देखो ये क्या होता है, ये वेट भी और बैरली भी पैडी भी एक तरह से, हाँ इसका मस्टर्ड होगा, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है सरसों। क्वेश्चन अगले 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी वांट्स टू बिकेम, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा या एन होगा, तो यहाँ पर एन होगा इंजीनियर, तो एन इंजीनियर आर्टिकल भरना है, एन इंजीनियर। कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, यहाँ पर क्या होगा, कंट्री होगा, लैंड होगा, टाउन होगा, विलेज होगा, तो 46वां आंसर क्या होगा, कंट्री होगा, क्या हो जाएगा, कंट्री। क्वेश्चन नंबर 47 क्या क्या है, क्या कह रहा है कि आई क्या हो जाएगा, हैव टेक, इसका आंसर का आई हैव टेकन बाई कैमरा, टेकन बाई माई कैमरा। क्वेश्चन अगला कह रहा है ही इज बेंट, ही इज बेंट, यहाँ पर प्रीपोजिशन भरना है, क्या होगा, इन रनिंग हिमसेल्फ या फिर फ्रॉम होगा या फिर अगेंस्ट होगा या फिर ऑन होगा, तो क्या इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सबसे सही सेंटेंस है, तो कौन सही है, इट इज हाई विल स्टार्ट अर्निंग, नहीं इसका आंसर डी सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही हर्ड ए नॉइज ही गोट ऑफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग का 50 नंबर का, आप लोग क्या हमारे जैसे कॉमेंट कीजिएगा 50 का, ठीक है 50 का क्या लगाए हैं कॉमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 51 में क्या बोल रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन जुड़ेगा, भर भरना है, तो कौन सा एबव हॉल, कौन सा एबव हॉल। क्वेश्चन है पब्लिक ओपिनियन वाज, यहाँ पर क्या ऑफ होगा, आफ्टर होगा, एबव होगा, अगेंस्ट होगा, तो क्या होगा इसका आंसर अगेंस्ट होगा, कौन सा अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रखा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मीन्स कौन सा गलत वर्ड है, इनमें से कौन सा गलत वर्ड है, वुलेन, विलेन, सॉरी नहीं सही बोल रखा है, तो वुलेन होता है, वुलेन होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू एन होता है। क्वेश्चन अगला क्या है, कर रखा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफॉर्म, सिनोनिम्स का परफॉर्म का सिनोनिम्स चुनना है, कौन होगा परफ्यूम का सिनोनिम्स, परफ्यूम का सिनोनिम्स का परफ्यूम नहीं समझते, सेंट क्या होता है, सेंट होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या बोल रखा है कि वी गेट, हाँ यहाँ पर क्या हो, गेट हो जाएगा, क्या वी गेट रैन इन इंडिया ऑल सीजन्स। क्वेश्चन अगर 56 कर रखा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसका सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन क्या कर रखा है कि आई वेंट आउट टू यहाँ पर कौन सा फ्रेज होगा, यहाँ फ्रेज सुनना है, कौन सा फ्रेज यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा सी ऑफ, कौन सा सी ऑफ, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या कि आई वाज काइंड यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन भरना कौन सा, एट, इन, ऑन, ऑफ, क्या होगा 58 मार्क, क्या होगा ऑफ हो जाएगा, कौन सा ऑफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है कि आई विश एक्चुअली वर्ब यहाँ पर ना, इसमें एक्चुअली वर्ब क्या होगा, आई विश ही वुड होगा, शुड होगा, कैन होगा, यूज होगा, तो 59 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वुड, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है कि आई हैव टू टीच इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसका पैसिव बनाना है, इसका पैसिव बनाना है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इंग्लिश हैज टू बी टॉच्ड बाई मी। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रखा है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, इसका आंसर का एग्रीकल्चर, क्या इसका आंसर एग्रीकल्चर होगा।
करेगी फ्रेंसी ए लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ ग्राउंड्स इज फॉर्म। इसके आंसर क्या, इसके आंसर दी आर्टिस्ट हुई। कहाँ कहा गया, दी आर्टिस्ट में कहा गया। क्वेश्चन अगला बोल रखा है कि यहाँ पर कि ओमेंस कैसे बोल सकते, कौन सी ओमेंस हैड हैड गिवन ऑफ गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर क्या, इंडियन। इसका आंसर क्या, इसका आंसर बी हो जाएगा, इंडियन। क्वेश्चन नंबर 63-64 में क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू बी टू दी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मटेरियल होगा या फिर न्यूज होगा या फिर रेवेन्यू होगा या फिर गोसिस होगा। तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 65 में क्या कर रखा है, ये देखो सारा सारा बुक का सेशन है, बुक वाला भी इसे आपको किताब अंदर के है। कर रखा है कि दी राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज दी, क्या होगा यहाँ पर, रोनिक होगा या कैंस्टिक कैंटिस होगा या फिर सेल्टिक होगा या सेक्शन होगा, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोनिक। क्वेश्चन नंबर 65-66 क्या कर रखा है कि दी ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट ए सीरीज ऑफ चेंज इन दी, क्या होगा यहाँ, कौन सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रोनाउंसिएशन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश इन द ईयर, हाँ तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 1400-1476। क्वेश्चन है कि इंग्लिश ये क्या है, तो इंग्लिश इज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, एक क्या, एक तरह से दुनिया का खिड़की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्टेंड रसेल बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं, बैट कह रखा है कि ब्रिटेंड रसेल किससे बिलोंग करते हैं, जर्मनी से, आइसलैंड से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा किससे, तो ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोल रहा है कि एवरी यहाँ पर क्या होगा, एवरी मैन होगा या एवरी न्यूज होगा या एवरी क्या बुक होगा, एवरी स्टोरी होगा, तो एवरी न्यूज पेपर लाइव से, इसका आंसर क्या, सी होगा, न्यूज पेपर। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रखा है कि हाउ मैनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट कीप्ड बाई विंजय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अबाउट ए डजन। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहेगा कि बट बिलीव दैट आई सेल मेक, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 72 नंबर का आंसर, तो 72 का आंसर किसने बोला था, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो गो में, ठीक है। 73 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ थ्रू ए थाउट बल्कि हुज ब्राउ इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, ये किसमें कहा गया, तो ये मेकाबेटी में। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा गया, तो 74 में बोल रहा है कि द इमेज एंड प्रांसिस ऑफ क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट फैमिली, किसका, इंडो यूरोपियन, कौन सा, इंडो यूरोपियन, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में वी कॉल्ड द एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, तो न्यू इंग्लिश से, क्या हो जाएगा, न्यू इंग्लिश। 77वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर टाउट, क्या हो जाएगा, स्नैक, किसमें कहा गया था, स्नैक में। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस अदर दी पोएम, क्या हो जाएगा, कमला दास। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि हु हैज वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रिमेटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर के एन दारू वाला। क्वेश्चन अगला क्या है कि दी पोएट इज ऑफ द स्नैक, स्नैक कह रखा है कि दी पोएट इज ए स्नैक, कैसा स्नैक पोएट है बताइए, जो स्नैक पोएट है वो कैसा है, तो कैसा है, तो एफ्रेड ऑफ। क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखो कैसे में क्वेश्चन कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सुंदर एंड टोल्ड हिम हाउ इट इज इट वाज इज फॉर्म, यह कहाँ बोला गया, कहाँ कहते, ये द अर्थ में कहे, कहाँ द अर्थ में कहे,
क्वेश्चन 82 क्या कर रखा है कि दिबू कॉम माई बिलव्ड हैज़ क्या होगा, तो अमेरिकन बैकग्राउंड, कौन सा अमेरिकन, नहीं इसका अमेरिकन नहीं, इसका अमेरिकन नहीं, इसका इंडियन होगा, क्या इंडियन होगा, इसका आंसर इंडियन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 83 का बोला कि एंटोन चेकोव वाज क्या होगा, तो दी डॉक्टर, क्या चीज, डॉक्टर, प्रोफेशन से क्या थे, डॉक्टर थे। क्वेश्चन 84 में बोला कि फॉर वाट फरपोज एंड नानू काका कम्स टू दिल्ली, उन्हें, हाँ इसका आंसर क्या डी हो जाएगा, टू सी सम मॉनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम्स टू बी नॉज एज, तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसको कौन सी भाषा में लिखा गया है, वह पहली भाषा है, क्या हो जाएगा, तो सेकंड भाषा में, कौन सी सेकंड भाषा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन सा, सी नंबर आंसर, सेकेंड लैंग्वेज। वाल्ट वेटमैन यहाँ पर क्या होगा, देखो वाल्ट वेटमैन वाज ए होगा, एज या एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एज या एन, ए या एन क्या हो जाएगा, अमेरिकन पोएट, कौन सा अमेरिकन पोएट, इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87 की रोमांटिक रेवियल इज एसोसिएटेड विथ, क्या हो जाएगा, जॉन ड्राइडन या फिर एलेक्जेंडर पॉफ या विलियम्स वर्डवर्थ या जॉन मिल्टन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर वकीम चंद्र रॉट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश, कब, उन्हें कब नोबेल पुरस्कार इंग्लिश में मिला था, बताइए कब, तो 1864 में। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रखा है कि खाली स्तंभ से खाली स्तंभ हो जाएगा, जिसमें खाली स्तंभ से सी भरेगा, वाल्टर डेलर मारे या इसके आंसर क्या सी हो जाएगा, टेक्निशियन आंसर करेंगे सी। और ए 90 का आंसर क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन 90 क्या बोल रखा है कि ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर, इसका आंसर क्या सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 91 क्वेश्चन कर रहा है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पीक बीन सेटिस्फाइड इज फॉर्म, इसका आंसर क्या, इसका आंसर मैकेविटी हो जाएगा, मैकेविटी, इसका आंसर नंबर ए। करेक्ट क्वेश्चन कि आई स्वोर टू से फायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 क्या हो रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेटर्स डिस्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड फ्लीजर्स इज फॉर्म, किसका है, तो यह कहाँ का ये कथन है, तो ये किसका है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में का। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 94 की दी फैमिली, ये जो पूछा कि इतना जो ये कथन ये कहाँ का, कथन किसका है, भारत इज माई होम, कहाँ, भारत इज माई होम। अगला पूछ रखा है कि द नरेटर ए पिंच ऑफ स्नॉप वाज क्या होगा, अंडर सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला कि मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन रिसीव द नोबेल प्राइज, कब, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है कि द पोएट वाज इन पाइजमस ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ दिस नेक, इसका आंसर क्या, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि आई कोकोब्रेट माई सेल्फ एंड साइंग माई सेल्फ, यह जो दिया कि कहाँ का है, यह जो कथन यह किस लेसन में का है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 98 का रखा है कि हु, यहाँ पर बोल रहा है कि हुज वाइट वाटरफॉल कॉल कूल्ड ब्लेस ट्रेवलर्स इन दियर लास्ट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 99 पूछा क्या होगा, यहाँ पर बताइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर, तो 99 की जरा से बताइए यहाँ पर क्या भरे हैं, यहाँ पर 99 का छूटा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा बताइए क्या भरे हैं, अगर सही आपका हुआ तो आंसर पी नंबर कर दिया जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन क्या कर रखा है, 100 नंबर की टू बैंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ओडे ऑटोमन, यह कहाँ का कथन है, तो ओडे ऑटोमन का। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कर लिया, आपको 50 माना था, 50 हम कितना किए हैं आप कॉमेंट में कमेंट कीजिएगा, हो सकता है देखो एक आधो क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन सारा क्वेश्चन अपने से सही बनाया गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ आप लोगों का हिंदी का ऑब्जेक्टिव का लाइव क्लासेस चलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ एक बात और बताएं कि जिन लोगों ने लॉन्ग में ये देखो
ये मिला होंगे, तब मिला लीजिएगा कि आपका सही है या गलत। ये आपका 5 मार्क आया था, उसके बाद मिला लेंगे सारा हालांकि। उसके बाद कौन सा, तो ये किए, ये जो कल को बता दिए थे कि आपको फिक्स है 10 मार्क आने वाला है, तो आपका सारा का देखो जो जो कल गेस किया गया था वो सारा का सारा गेस लड़ा हुआ है। जिन लोगों ने गेस देखा था उनके इंग्लिश में अच्छा नंबर आएगा, फिक्स है, ठीक है।